प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सुबह देश को संबोधित करते समय पहले फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करने के दौरान ये महा ऐलान किया है। पीएम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और इसी महीने शुरू हो रहे हैं संसद सत्र के ही कानून वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं मायावती की इस पर क्या प्रक्रिया है, देखिए। अर्थात लगभग एक वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की इनकी एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए।